राज बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। पूरे देश में संदेश दिया है, नेगेटिविटी को बिल्कुल बाहर किया, काम की बात करिए, क्या कहेंगे? संदेश दिया है और माने प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है, लोग मिल चुके हैं उनके साथ में, उनके साथ लग चुके हैं और देश को एक विकसित राष्ट्र बना कर रहेंगे। प्रमोद कृष्ण ने बोला है कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों का श्राप लगाया, किस तरीके से? बिल्कुल लगाया ना, क्यों नहीं लगाया? सनातन एक ऐसा एक मतलब एक जीवन है, सनातन तो पूरी मानव जाति को उत्थान के लिए काम करता है। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन, और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सवाल ये उठा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपकी सबकी कृपा। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? आप विधायक भी हैं, आने वाले वक्त में कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो आप स्वीकार करेंगे? हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं।